मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नायरनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्रकार से आप लोग मुझको प्यार सहने दे रहे हैं, मेरे वीडियो को, प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोट कोट धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग इसी प्यार सने को बनाए रखिए। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको कुंडली तथा कुंडली के ग्रहों के तालमेल का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराऊं। मैं आपके सहयोग के लिए प्रत्येक वीडियो, मेरा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है, 111। दोस्तों, बहुत से मित्रों की फरमाइश आई है कि अगर किसी भी कुंडली में लग्न में बुध हो तो क्या लाभ देता है, क्या हानि देता है। जैसा आपको ज्ञात होगा कि बुध एक धार्मिक ग्रह है, बुध एक चरित्रवान ग्रह है, बुध एक सामाजिक ग्रह है, मनुष्य के चरित्र का, ज्ञान का, धर्म का, उदारता का ज्ञान बुध से ही प्राप्त होता है। मैं मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। जिस व्यक्ति के कुंडली मेष लग्न की है, उसमें अगर बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग उदार होते हैं, दयालु होते हैं, भावुक होते हैं और स्वच्छ विचार के होते हैं। जिस व्यक्ति का वृषभ लग्न है, उसमें अगर बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग की सोच गंदी हो जाती है, आलसी हो जाते हैं, कम परिश्रम करना चाहते हैं, जिसके कारण उन्नति नहीं कर पाते हैं। जिस व्यक्ति का मिथुन लग्न है, उसमें बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग माता पिता के सेवक होते हैं, भाई बंधुओं के सेवक होते हैं, इनको माता पिता से अच्छा सुख मिलता है, अच्छा धन मिलता है, अच्छा सम्मान मिलता है। जिस व्यक्ति का कर्क लग्न है, उसमें बुध बैठा हुआ है, दोस्तों ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों धोखेबाज विचार के हो जाते हैं और संघर्ष करते हैं। जिस व्यक्ति का सिंह लग्न है, उसमें बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, जैसे डॉक्टर, संगीतकार, लेखक, साहित्यकार और अपने विद्या के द्वारा पूजे जाते हैं। जिस व्यक्ति का कन्या लग्न है, उसमें बुध अगर बैठा हुआ है, ऐसे लोग भावुक होते हैं, ऐसे लोग उदार होते हैं, ऐसे लोग दयालु होते हैं, ऐसे लोग केस मुकदमा नहीं लड़ते। जिस व्यक्ति का तुला लग्न है, उसमें अगर बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, इनका पारिवारिक दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है और जीवन में किसी भी विषय पर ये स्थिर नहीं रहते हैं, इनका बुद्धि चलायवान होता है। जिस व्यक्ति का वृश्चिक लग्न है, उसमें अगर बुध बैठा हुआ है, ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं, श्वास से परेशान रहते हैं, दिमागी तनाव रहता है, दौड़ धूप अधिक करते हैं। जिसकी कुंडली धनु लग्न की है, उसमें बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग राजनीति में सफलता पाते हैं, ऐसे लोग बड़े बड़े विद्वानों की के संगत में रहते हैं, इनको समाज में, सरकार से, परिवार से बहुत ही प्यार मिलता है, कम उम्र में ही अपनी पहचान बना लेते हैं। जिसके कुंडली में मकर लग्न हो, उसमें बुध अगर बैठा हुआ है, ऐसे लोग आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, कर्जदार हो जाते हैं, कभी जीवन इच्छा अनुसार उन्नति नहीं करते हैं, हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। जिस व्यक्ति का कुंभ लग्न है, उसमें बुध अगर बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, ऐसे लोग गरीबों का सहायता करने वाले होते हैं, दयालु होते हैं, उदार होते हैं और मंदिर धर्मशाला भी बनाते हैं, कई जमीन जायदाद के मालिक होते हैं और विदेश भी जाते हैं। जिसकी कुंडली मीन लग्न की है, दोस्तों ऐसे लोग हमेशा परिवार से परेशान रहते हैं, संतान से परेशान रहते हैं, आर्थिक परेशान रहते हैं, नौकरी में इच्छा अनुसार उन्नति नहीं कर पाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं और हमेशा उधेड़ बुन में रहते हैं, ये जीवन में पूर्ण
इच्छानुसार सफलता नहीं प्राप्त करते हैं, जिसके कारण इनका अधिक जीवन का अधिकांश समय संघर्ष में ही व्यतीत हो जाता है। ये छोटा सा वीडियो बुद्ध आपके किस किस लग्नों में क्या प्रभाव देता है ये आपके सामने मैंने रखा। इससे कोई संबंधित प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा। इतना कहते हुए मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।